अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। जरीना फुफो आ रही हैं कल। कब? कह रही हैं कि सुबह 12 बजे तक पहुंचेंगी। लेकिन सलमान, मैं तो ड्यूटी पर होंगी। हाँ तो तुम कल मत जाना, छुट्टी कर दो। ये ना करें मुल्ला भाई, मुझे पैसों की जरूरत है और मेरे घर पे मेहमान बैठे हुए हैं। मेरे पैसों से मेहमान नवाजी करोगी? तुम जैसे लोगों से पैसे निकालने का यही तरीका है? हर किसी से मसला है तुम्हें? कोई मदद करने आता है तुम उसे बेइज्जत कर देती हो, कोई हमदर्दी जताता है तुम अकड़ जाती हो। टांगे टूटी है मेरी, मरा नहीं हूं मैं। और हाँ, मुझे तुम्हारी कमाई की जरूरत नहीं है। इनका मियां जब से चारपाई पे है, बस ये पता नहीं कौन से पर निकला है इनके। ऐसी औरत के साथ तो खड़े रहना भी बेइज्जती समझता हूँ मैं। ऐसे दे खत्म कर यार। सफीना भाभी को भी साथ ले आती। आई थी ना पिछली बार बहू को साथ लेकर, क्या सलूक हुआ उसके साथ? जाते हुए तेरे बच्चों के हाथ में थोड़े पैसे थमा दिए तो तेरी बीवी ने टका सा जवाब दे दिया और उसकी बेइज्जती कर दी। हमें नहीं चाहिए पैसे, अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। बस बस, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। तुम तो मुझसे जलती हो। मैं क्यों जलूंगी, मैं तो इतनी खूबसूरत हूँ। वो तो मैं भी इतना खूबसूरत हूँ। बस बस, मत लड़ो बच्चों, जाओ बाहर जाके खेलो। संभल जाना पीसा और समझ जा, ये सारी की सारी आजमाइश तेरी अकेली की है। हादसा सलमान के साथ नहीं हुआ, तेरे शौहर के साथ हुआ। मुसीबत सलमान के घर पे नहीं, तेरे घराने पर आई है। लोगों के ताने जिल्लत रुसवाई सब तेरे अकेले के हिस्से में आई है। ये वक्त कब तक रहेगा तेरा खुदा ही जानता है। तुझे बर्दाश्त करके चलना है। आज से ये सोच के चल कि तेरे खुदा के सिवा तेरा कोई भी नहीं है। सुमेरा, जी अम्मी। बेटा ये पकौड़े लेके जाके रखो दस्तरखान पे, मैं बस चाय चढ़ा के आ रही हूँ। अच्छा सलमान आबाद में जा रही हूँ, अफजल आ रहा होगा मुझे लेने। अरे फुफोजान, ऐसे कैसे जा सकती हैं आप? खाना खाए बगैर नहीं जा सकती हम। अरे सदके जाऊं मैं मेरे बच्चे, खुदा तुझे कुशादा रिस्क दे। मेरा कौन सा रोजा है और खाने का क्या है? जब मैं आई थी ना, तेरी बीवी ने मुझे शरबत पिला दिया था। शुगर हाई लेवल हो गया है मेरा।
इतनी तैयारी की है मैंने आपके लिए। मैंने कहा था तुम्हें तैयारी करने के लिए? मैं तो अपने भतीजे की खबर गिरी करने के लिए आई थी। सुमेरा बेटी इधर आओ, इधर आओ मेरा बच्चा, इधर आओ। ये तुम्हारी और तुम्हारे भाई की ईदी है, अब्बू से कह के कपड़े बनवा लेना। बेटा ये बड़ों का प्यार और खुलूस होता है, और मेरी एक नसीहत याद रखना, अपनी माँ की तरह कभी नहीं बनना जैसे ये अपनी माँ की तरह बन गई है। ये लो मेरा बच्चा। ये लो भाई, ले लो, जीती रहो। और हाँ, अगले हफ्ते मेरे दोनों बेटों ने जकात निकालनी है। अब ये ना कहना कि तुम लोगों को जकात नहीं लगती। 50-60 हजार साइड में रख दूंगी, ले लेना। लगता है अफजल आ गया है, अब मैं जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना, ठीक है बेटा? तुमने तो मेरी बातों को दिल पे ही ले लिया। दिल है ना, दुख जाता है, पत्थर होता शायद तो अच्छा होता। तुमने फूफो जान से पैसे ले लिए मुझे। मैं सदका भी लूंगी, खैरात भी लूंगी, औकात में आऊंगी अब मैं अपनी। इस तरह दिल बुरा मत करो नफीसा। नहीं, मुझे सब समझ में आ गई है सलमान। क्या समझ आ गई? यही कि ये दुनिया तो जमीन आसमान अल्लाह ने बनाई, वो जिसे चाहता है इतना नवाज देता है कि वो अपनी औकात भूल जाता है, और जिसे चाहता है इतना देता है कि उसको याद आ जाता है कि वो कितना मजबूर है। किसी को आलीशान महलों में पालता है, तो किसी को हम जैसे सदका खैरात। वो मुझे बताना चाहते कि मैं तो बेबस हूं, कुछ भी नहीं कर सकती। सब यही समझते थे कि मुझ में अकड़ है, अना है, मगर मुझ में तो खुददारी थी। उसने हम सबको गलत साबित कर दिया। बेबस हूँ, बेबस। अब वो जैसे देगा, जितना देगा, चुपचाप रख लूंगी।
कल शफीक भाई को फोन कर दिएगा और उनसे कहिएगा कि अगर खुदा ना चाहे ना तो कोई किसी की मदद भी नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो नफीसा। नहीं अभी नहीं, अभी और आजमाइशें बढ़ने को है मेरी, इस जान की तरह मेरी आजमाइशें बढ़ने को है, फिर पता नहीं आपको मौका मिले ना मिले मेरा दिल दुखाने का, तो बस एक ही दफा माफी मांग लेना फिर। लगता है तुम्हारे मियाँ से झगड़ा हो गया तुम्हारा। हाँ तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। तुम जैसी मजबूत औरत किसी और का दिल दुखाने पर ही ऐसे रो सकती है। तुम्हें क्या पता नताशा मैं कितना रोती हूँ, शायद मैं सबको ही अपना समझती हूँ इसलिए। और मेरे बारे में क्या ख्याल है, मैं भी अपनी हूँ या फिर मैंने भी दिल दुखा दिया तुम्हारा? तुम मुझे उस वक्त मिली हो जब इस दिल को फर्क ही नहीं पड़ता कोई कि दिल दुखाए या ना दुखाए। क्या बात है नफीसा, मैं इतनी मायूस क्यों? आज 30,000 का टारगेट करना है, तुम्हें लगता है मैं मायूस हूँ? वाह जी वाह, चभी तो गाऊं मैं कहां गायब रहती है सारा सारा दिन। शाबाश शाबाश बच्चे, पीछे रहना इसके, ध्यान से इसको पता ना चल सके। शाम को मिलके मुझे सारी रिपोर्ट देनी है। शर्म नहीं आती उस बेचारी का पीछा करवाते हुए? क्या किसका पीछा, क्या कर रहा हूं मैं? मैं कहती हूँ बाज आ जाओ शाकिर अजीम, वरना बहुत पछताओगे। इस बरकतों वाले महीने में काफिर भी अपने गुनाहों से बाज आ जाते हैं। कौन सा शैतान घुसा है तुम्हारे अंदर जो इस बरकत वाले महीने में भी तुम्हें अपनी शैतानियों से बाज नहीं आने दे रहा? तेरी जबान ज्यादा नहीं चलने लगी है तमन्ना बेगम? मजबूर हो गई हूँ जुबान चलाने पर। तुम जैसे शैतान के साथ जिंदगी गुजार नहीं रही बल्कि बर्बाद कर रही हो अपनी जिंदगी। याद रखना मैं नफीसा की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। वो मुझे जलील करना चाहती थी, शाकिर अजीम बट को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। उसको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। तो नहीं डालनी थी ना उसके ऊपर अपनी गंदी नजर, उसने जो भी किया ना बिल्कुल ठीक किया है। अगर मैं उसकी जगह होती तो अपने घर से निकाले हुए तुम्हारे ऊपर थप्पड़ लगाती। तमन्ना बेगम, तुम जैसी जबानदराज औरतें जो है ना वो जहन्नुम की आग का ईंधन बनने वाली हैं। मुझे नमाज रोजे के लेक्चर देती हैं, तुझे किसी ने ये नहीं बताया कि शौहर की नाफरमानी करने वाली औरत का अंजाम क्या होता है? इधर देख, तकलीफ हो रही है? आज तक तो मैंने तुम्हें प्यार से समझाया है, अब जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूं ना उसके बाद तुम तीर की तरह सीधी हो जाओगी। आंटी तो ठीक ठाक कमा रही हैं, भट्ट साहब जिस घर में भी जाती हैं 500,000 तो यूं ही कमा लेती हैं। ये सारे पैसे आंटी के थोड़ी होते होंगे, ये कमीशन पे काम करती होगी ना भट्ट साहब? वैसे कमीशन तो ठीक ठाक बनता होगा,
जबी तो बोलूं ही लंगड़ी की दौजा इतने तेवर क्यों दिखा रही है। वैसे कितना कमीशन होगा आंटी नफीसा का भट्टा? कमीशन छोड़ो तुम, ये पकड़ो 5,000 और मेरी बात सुनो ध्यान से। आओ अगर ये काम हो जाए तो तुम तीनों को 5,000 रुपए और दूंगा। डन हो गया भट्ट साहब। हो गया, चलो शाबाश, निकलो ले लो। आ गई। अरे तमन्ना भाभी आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अभी आई हूँ, बात करनी है तुमसे। सब खैरियत है ना? खैरियत नहीं है, बैठो बात करनी है तुमसे। जी बोले। जितनी जल्दी हो सकता है तुम ये घर और मोहल्ला छोड़ के चले जाओ। मैं ऐसा कहने पे मजबूर हो रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ तुम किन हालात से गुजर रही हो, मगर तुम ये नहीं जानती हो कि आगे तुम्हारे साथ क्या बुरा होने वाला है। तमन्ना भाभी खुदा कीजिए साफ साफ बताइए क्या बात है। कुछ पर्दा रख रही हूँ सलमान भाई आप लोगों का, थोड़ा कह के जा रही हूँ, इसे ज्यादा समझना। और मैं तुम लोगों के लिए इतना ही कर सकती हूँ कि पिछले महीनों का किराया माफ है मेरी तरफ से, उसके लिए शाकिर को मैं खुद देख लूंगी। तुम लोग जितनी जल्दी हो सके अपना बंदोबस्त करो और ये मोहल्ला छोड़ दो। हेलो। हाँ वो दफ्तर से फोन आया था कि कैशियर कल शाम को आ जाएंगे, तो मैनेजर ने सारा कैश साथ लेके आने को बोला है। हाँ ठीक है, मैं ले आऊंगी पैसे साथ। ठीक है चलो, कल होती है फिर मुलाकात। बाबा यहाँ मेरी डायरी पे भी साइन करते हैं। और नोमी को क्या है कि अपनी इंग्लिश की कॉपी लेकर आए, उसको भी टीचर ने साइन करने को कहा है। वाह मैं मम्मा के साथ साइन करवा लूंगा। मुझे पता है अम्मी तो कुछ बोलेंगी नहीं, चुपचाप साइन कर देंगी। तुम्हें क्या तकलीफ है? नोमी निकालो अपनी डायरी, दो मुझे जिस पे साइन करने हैं, दो मुझे। क्यों डांट रहे हो बेचारे को? अरे शफीक अहमद कैसे हो तुम? बैठो। नहीं मुझे तुम्हारी भाभी के साथ जरा काम से जाना है। खाना तैयार है शफीक भाई, बस 5 मिनट में मैं लगा देती हूँ, खाना खा के जाना प्लीज। हाँ इस बहाने ही बैठ जाओ। ठीक है भाभी।
हाँ भाई, क्या जरूरी बात थी यार? वो हाँ हाँ बोलो यार। तूने कहा था ना कि तू हमें इस मकान से शिफ्ट कराएगा, कहीं और भेजने का बंदोबस्त करेगा। तो यार हमने सोचा है कि ठीक है, हम चाहते हैं कि ऐसा हो भाई, वो काम फटाफट कर देना यार। मैं जितना जल्दी हो सकेगा तेरा कर्ज उतार दूंगा। क्या यार सलमान, कभी हाँ कभी ना, इस चक्कर में देर कर दी तुमने। आज सुबह ही मैंने डाउन पेमेंट करके प्लाट की बुकिंग करवा चुका हूँ यार। बहुत मुबारक हो यार, बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अल्लाह ने तुझे एक प्लॉट का मालिक बना दिया है। बट परेशान लग रहे, कोई मसला हो गया क्या? नहीं कुछ नहीं। अगर कुछ ज्यादा इमरजेंसी है तो मुझे बताओ, मैं प्लॉट की बुकिंग कैंसिल करवा देता हूँ। 5-7 हज़ार का नुकसान होगा, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसी भी कोई इमरजेंसी नहीं है शफीक, फिर 6-7 हज़ार रुपये का नुकसान क्यों करें? यकीन कर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैं रकम लेके तुम लोगों के पीछे पीछे था कि तुम लोग ये घर शिफ्ट कर। अब जब रकम लग गई है तो मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। छोड़ना यार। नहीं नहीं सलमान, मुझे अब फिक्र लगी है तुम्हारी, तुम मुझे काफी परेशान लग रहे हो। मैं प्लॉट की बुकिंग कैंसिल करवाता हूँ। क्या मतलब? बस चुप कर जाओ भाई, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। मुझे पता मैंने क्या करना। वैसे एक बात है, तेरे जैसा यार ना ढूंढने से भी इस दुनिया में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं होगा? वो दोस्त ही क्या जो मुसीबत में काम ना आए। कितनी सेल हुई आज? 28,000। यानी तुम्हारा कमीशन 2,800। जी, मैंने कहा था ना कि मैं ईद से पहले 50,000 कमा लूंगी। एक बात बताओ, ये तमन्ना भाभी जो बता रही थी वो सब क्या है? पता नहीं मुझे। मैं बताऊं? शाकिर भट्ट तुम्हें तंग करता है ना? देखो नफीसा, झूठ मत बोलना मुझसे। असल में तमन्ना भाभी को भी पता है कि उसके शोहर की नजर गंदी है, इसलिए वो हमारी मदद कर रही है। और मैं भी चाहती हूँ कि बगैर किसी लड़ाई झगड़े के हम यहाँ से चुपचाप चले जाएं। क्या किया उसने तुम्हारे साथ? कुछ नहीं, आप छोड़े रहने देना ये बातें। नफीसा, अगर मैं व्हील चेयर पे हूं तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। इन हाथों में अभी भी इतनी ताकत है कि अगर एक दफा उसकी गर्दन दबोच लूं तो वो आखिरी सांस तक छुड़ा नहीं सकता। असल में वो कुछ कर नहीं सका ना, इसलिए ओछे हथकंडों पर आ गया है। और अब आप मुझसे ये मत पूछिएगा कि ओछे हथकंडे क्या होते हैं। मैं कप रख के आती हूं। तुम्हारा रोजा? हाँ, क्यों तुम्हारा नहीं है? नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझे तो कुछ खाना। ठीक है, तुम देख लो, जब तक मैं ना ये सारा कैश एक जगह कर लूँ। आज कैशियर साहब को जमा कराना है ना। कितना हुआ कुल मिला के? कल तो 56,000 था, आज देखती हूँ कितने की सेल हुई है। अच्छा, टोटल 82,000 हो गए। अगर मैं एक दिन की भी छुट्टी ना करती ना नताशा, तो टारगेट 1,25,000 तक होता। अच्छा तुम इनको संभाल के रखो, मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाने को लेके आती हूँ। ठीक है। Thank you.
नफीसा, नताशा, नताशा, पैसे, पैसे, नताशा, नफीसा क्या हो गया? पैसे, नफीसा, वो ढाकू, ढाकू पैसे ले, नताशा, नफीसा हिम्मत करो, नफीसा, नताशा, हमारे पैसे, होश में आओ नफीसा, 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 पैसे देंगे, ढाकू, ढाकू पैसे देंगे, होश में आओ नफीसा, होश में आओ.